नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, प्रणाम, ओम शांति। दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं एक सुंदर शो, हमारे उभरते सितारे। एक माँ की ममता और दूसरा है पिता की क्षमता। ये दो ऐसे रिश्ते हैं जो बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। यही बात परमात्मा के लिए लागू होता है, जो संसार के सभी मनुष्य आत्माओं को बेहद प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी ये कैसी विडंबना है कि आज के इस परिवेश में, आज के जमाने में हम इस कदर बट चुके हैं कि आज इसी धरती पर स्वयं भगवान भी आकर ये कहे कि मैं ही भगवान हूँ, तो लोग ये पूछ बैठेंगे किसके भगवान हो, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के या ईसाई के। इस कदर बटे हुए हैं, जबकि कहते हैं एक तरफ कि सबका मालिक एक है परमात्मा, जिसमें माँ शब्द जुड़ा हुआ है, परमपिता जिसमें पिता शब्द जुड़ा हुआ है, माता पिता कहते हैं उन्हें, इसीलिए तो भक्ति में कहते हैं तुम्हें माता पिता बंधु। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके बीच में है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं एक बच्चे की जुबानी परमात्मा की सच्ची कहानी, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो आर्यव जी, आप एक्टर हैं, है ना, हमने आपका सुना देखा भी, तो ये जो एक्टिंग की कला आप में है, ये कब से शुरू हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल में सारे कंपटीशन में भाग लेता था, एक्टिंग, डांसिंग, मतलब सब में, और सब में फर्स्ट भी आता था। अच्छा। और ऐसे ही करते करते फिर मैंने स्टार्ट किया ऑडिशन देना दिल्ली में ही। ऑडिशन देते 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 वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि इसको मुंबई लेकर जाओ, बहुत आगे। अच्छा। फिर हम लोग मुंबई आए और ऑडिशन देते 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 मुझे एक सीरियल मेरे अंगने में एक बच्चे का रोल मिला। अच्छा। और वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं परमावतार श्री कृष्ण में बलराम का रोल प्ले कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, और श्रीमद् भागवत 2 जून से टेलीकास्ट हुआ है, उसमें मैंने गौरीनंदन गणेश का रोल प्ले किया है। अभी ऑन एयर चल रहा है? हाँ, ऑन एयर चल रहा है। तो आप पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, शूटिंग में भी जाना आना होता है, तो ये आपका खाने पीने का कैसे बैलेंस होता है, कैसे? ये सब मम्मा मैनेज करती है। अच्छा। मम्मा मेरे लिए सुबह उठ के खाना बनाती हैं और सेट पे भी आती हैं मेरे साथ और मेरे खाने पीने का, सेहत का बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसा तो नहीं कि अच्छा बच्चा आज होटल से खा लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो सुबह उठ के मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, मतलब आप बाहर का बिल्कुल नहीं खाते? अच्छा। हाँ, बाहर का नहीं खाता, लेकिन बाहर वालों को 2 बाइट खिला भी देता हूँ। वाह वाह, ये तो अच्छी बात है। बाहर के लोग जो लाते हैं उसमें से आप नहीं खाते, लेकिन अपने में से उनको खिला देते हैं। ये तो बहुत बड़ी दैवी गुण है, ये तो दाता मतलब देवता का गुण आप में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ऐसा क्या बात है जो आपको लगता है कि बाहर का नहीं खाना है मुझे, ऐसी क्या मन में आपके विचार चलते हैं? देखिए, अभी आप मेरे लिए कुछ करेंगे तो उसमें कोई ना कोई आपके विचार तो चल ही रहे हैं। अभी दूसरे की बात करें तो दूसरे का भी विचार चल रहे हैं। हाँ। तो इसलिए वो क्या सोच कर बना रहा है वही चीज हमें जाएगी। अगर वो कुछ बुरा सोच रहा है दूसरे के बारे में तो वही चीज खाने में भी जाएगी, वाइब्रेशन। ये बताओ, आजकल बच्चे स्कूल में और गली मोहल्ले सब जगह, सबके पास मोबाइल है, है ना, मुझे लगता है मोबाइल आपके पास भी होगा, है ना। तो ये मोबाइल आजकल उसके कई बच्चे तो मिसयूज भी बहुत कर रहे हैं, कई लोग अच्छे कुछ संदेश या कुछ उसकी पॉजिटिव यूज है, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर?
देखिए मोबाइल बनाया तो केवल इसलिए गया था कि लोग दूर दूर भी रहे तो कम से कम उनकी जो फीलिंग्स, उनकी जो फैमिली है वो जॉइंट रहे, लेकिन आज हम लोग ही उसका इतना मिसयूज कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं। अभी यही कुछ बच्चे पबजी खेल रहे हैं, मेरे पास है फोन, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फोन का भी मैं बराबर इस्तेमाल करता हूँ। अभी कुछ देखने का मन हुआ, 5-10 मिनट देखा, बस रख दिया।